नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर गौतम बुद्ध नगर कोरोना अपडेट। गौतम बुद्ध नगर जनपद में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की शाम को 28 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक 11 लोगों की जिले भर में मौत हो चुकी है। 735 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्रॉस नोटिफाइड मरीजों सहित 795 तक यह आंकड़ा पहुंच गया है। गुरुवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौर सिटी, बेगमपुर और जेवर में कोरोना मरीज पाए गए हैं। कोरोना के मामले में जेवर की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। जेवर में अब तक 18 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। गुरुवार को भी मोहल्ला सल्याना में एक बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाया गया है। बुधवार को भी एक कोरोना मरीज कस्बे का मिला था। कुल मिलाकर कस्बे और तहसील क्षेत्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 18 तक पहुंच गई है। पूरा कस्बा सील है, बाजार सील है, कस्बे के कई मोहल्ले सील हैं। इसके बावजूद लगातार दो दिन कोरोना मरीज की उपस्थिति कोरोना के मामले में जेवर की स्थिति को चिंताजनक बना रही है। कस्बे और क्षेत्र के लोगों में कोरोना का भय लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि तहसील प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोरोना से बचाव के पूरे उपाय और एहतियात बरतने का निर्देश दे रहा है। कस्बे और गली मोहल्लों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। इधर गौतम बुद्ध नगर के देहात के कस्बे बिलासपुर में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर की एक युवती कोरोना संक्रमित पाई गई है। अब तक कस्बे में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3 तक पहुंच गई है। कस्बे को सील करा दिया गया है, बाजार बंद करा दिए गए हैं। देखें नगर पंचायत का यह आदेश। बिलासपुर नगर पंचायत ने कस्बे में सार्वजनिक मुनादी करा दी है। लोगों को घरों में रहने और शासन प्रशासन के निर्देश का पालन करने का फरमान जारी कर दिया है। कोरोना से डरे नहीं, यह लाइलाज नहीं है। सावधानी और एहतियात बरतें, शासन प्रशासन के नियम निर्देशों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। बुधवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देहात में आए आंधी, तूफान और बारिश ने 110 गांव के 5 बिजली घरों की विद्युत आपूर्ति ठप कर दी थी। रात और दिन भर विद्युत आपूर्ति ठप रही। गुरुवार की देर शाम देहात के इलाकों में विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई है। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। आसपास की खबरों के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी।